इबाब मूसा काजिम रजी अल्लाह उतरन अपने बाबा जान इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह के, के, के महकार थे के शाहकार थे जूदो सखावत का दरबार थे और अपने दौर में दुनिया के सबसे बड़े आलिम सबसे बड़े सखी और इबादत गुजार थे आप रदी अल्लाह तरन नेक आलि इबादत गुजार और जाहिद शख्सियत के हामिल थे कुरान मजीद के नहायत दिलकश अंदाज में तिलावत फरमाने वाले और खुद भी जब तिलावत करते तो रोते भी जाते थे और साथ बैठने वाले भी आपकी आवाज से आपके अंदाज को देख कर उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो जाते थे आपकी क्या ही शान है कि आप इंतहाई कदर व मंजिलत के मालिक और अजीबोशान मुश्त थे इबादत वात इलाही में मशहूर जमाना थे मदरी चल के नाज़रीन उमत मुस्लिमा की निगाहों में इंतहाई बुलंद रजविया के सातवें इमाम, इमाम वो हस्ती हैं जिनकी जहत शख्सियत की हामिल थी बड़ी हम हजरत इमाम रजियल की मुबारक सीरत के मुबारक दोषों पर कुछ बात करते हैं हजरत इमाम मसा काजिम रजील् का तारुफ आप सात सफरफर एक सौ अट्ठाईस हिजरी बरोज मंगल तुलुए फजर के वक्त मक्का मुकरमा और मदीना मलवरा के दरमियान वाकई जो इलाका है अबा शरीफ जहाँ प्यारे इस्लाम की प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आमीना अल्लाह तारण का बाजार शरीफ है उसमें पैदा हुए अल्लाह का मुबारक नाम मूसा और कुन्त अबुल हसन और अबू इब्राहिम और अलकबा साबिर साले अमीन जबकि सबसे मशहूर लकब आपका काजिम है बहुत ज्यादा माफी और दरगुजर करने के सबब आपका लकब जो है काजिम यानी गुस्सा पी जाने वाला हुआ अल्लाह अकबर आपका लकब ही कितना प्यारा है कि काजिम कहते हैं गुस्सा पी जाने वाले को सुछान ल्ला, सुछान ल्ला। इमाम सुबहानल्लामामत आला हजरत क्या खूबसूरत शेर आपकी शान में लिखते हैं शान जान सलमन असलामूसा काजिमे जहां काजिम मेरा इमदाद कु इमाम काजिम अहले बेत अथार के चश्मो चराग और अजीम बुजुर्ग इमाम जाफर सादिक के साहबजादे और सिलसिला के सातवें पीर मुर्शिद हैं आपकी वालद मोहतरमा का नाम हमीदा तआला अलैहा था आपके बारे में इमाम जाफर सदिकल्ला फरमाते कि मेरे तमाम बेटों में मूसा काजिम बेहतरीन बेटे हैं और ये अल्लाह पाक के मोतियों में से एक मोती है सुबहानल्ला आगरा सोचें कि वालद भी बेटे पर फख्र करे और वालिद भी कौन इमाम जाफर सादिकान्ला आपका जो अलका ना मजीद में मुत्तकीन की सिफात में जिक्र होने वाला एक वस्फ और कलिबा है जब लोगों ने आपके अंदर इस वैफिया मुलायजा फरमाई तो उनके दिलों ने खुद ब खुद इस बात की तस्दीक की इस जमाने में इस लकब की आपसे ज्यादा कोई हकदार शख्सियत नहीं है फिर यही बात दिलों से निकल कर जबान पर आई और ऐसी पर आई कि यह शहादत बनकर रह गई जिसे आज तक दोहराया जा रहा है

कोई हमारे खिलाफ कोई बात कर दे हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बात कर दे हर वक्त तैयार रहते हैं लड़ाई के लिए और एक तरफ हम कहते हैं कि हम इन बुजुर्गों के गुलाम हैं इनके पैरोकार हैं और हम इनके मुरीद हैं तो इमाम मूसा काजिम तो माफ़ करने वाले हैं ऊसा पी जाने वाले हैं तो आए मदनी चल के नाजरीन आप भी अपने अंदर ये कोशिश करें ना इमाम मूसा मसा काजि राम की मुबारक रात इबादत में और दिन रोजे की हालत में गुजरते बहुत ज़्यादा इबादत करने की वजह से आपको अब दे साले यानी नेक बंदे के लकब से याद किया जाता है बुरद बारी यानी कुत बर्दाश्त का ये आलम था कि आपका लकब काजिम यानी गुस्सा पी जाने वाला आपकी पहचान बन गया आजी आज और उनके सारी की ये कैफियत थी कि जब भी कोई बंदा आपके सामने से गुजरता उससे पहले कि वो सलाम करता आप सलाम में पहल फरमाते अगर मालूम होता कि कोई आपको तकलीफ पहुंचाने में लगा हुआ है तो भी आप उसकी जरूरत पूरी फरमाते यानी यह पता भी होता कि यह मेरा दुश्मन है मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करते नाजीर जरा सोचिए ना ये कैसी कमाल की बात है ये कैसा नबी पाक कहने फैज़ान हासिल हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लासम भी तो पढ़ते ही है ना कि आप सलाम में नबी पाक सलाम भी तो, तो पहल फरमाते हैं। अपने गुलामों को सलाम में पहल फरमाते मगर आज लोग कहते हैं भाई मेरा मरतबा है मेरा मकाम है लोग मुझे आके सलाम करें मैं क्यों सलाम करूँ जिसको नहीं जानता उसको मैं क्यों सलाम करूँ नहीं सुन्नत यह है कि जिसको जाने जिसको ना जाने मुसलमान है सलाम आता है और पहल करेंगे तो स्वाब भी आपको ज़्यादा मिलेगा और सुबहान अल्लाह जो सलाम में पहल करने वाले होते हैं ना उनके दिल से तकबर दूर हो जाता है हाँ दिल साफ हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि हमारा दिल आजजी का पैकर रहे तो सलाम को आम करें और सलाम में पहल करें और सुबहानल्ला इतनी बड़ी शख्सियत इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ मगर आप जिसको जानते ना जानते सबको सलाम में पहल फरमाते